कुछ वर्ष पहले तत्कालीन शिवराज सरकार के मंत्री राघव जी की अश्लील सीडी उजागर हुई थी, जिससे उन्हें पार्टी से ही बर्खास्त कर दिया गया। अब इसी तरह का कांड उज्जैन संभाग के संगठन मंत्री प्रदीप जोशी का सामने आया है। अश्लील वीडियो चैटिंग से भाजपा संगठन में हड़कंप मचा और उन्हें तत्काल हटा भी दिया गया। विधानसभा में कांग्रेस को घेरने की कोशिश में जुटी भाजपा अब खुद इस मुद्दे पर घिर गई है। इस मामले में शोषित युवक 20 दिन से परिवार सहित गायब बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ से वीडियो चैटिंग की उच्च स्तरीय जांच करवाने व संबंधितों के मोबाइल जब्त करने की मांग की है। पार्टी आलाकमान ने भी मामले में प्रदेश भाजपा संगठन से रिपोर्ट मंगवाई है। राघव जी कांड के बाद अब एक अश्लील वीडियो चैटिंग सामने आई है। सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश भर में इसके वायरल होते ही हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ दिनों से ये वीडियो और चैटिंग कुछ लोगों के मोबाइल में पहुंची और उसके बाद मामले को दबाने के प्रयास भी किए गए थे। राघव जी पार्ट टू के रूप में सामने आए इस मामले के बाद भाजपा ने ताबड़तोड़ उज्जैन संगठन मंत्री का जिम्मा संभाल रहे प्रदीप जोशी को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। पार्टी आलाकमान ने भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। अब भाजपा मामले में सफाई दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। भाजपा ने विधानसभा सत्र में कई मुद्दों पर कमलनाथ सरकार को घेरने की तैयारी की थी, मगर इस सेक्स कांड के उजागर होने के बाद वो बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश सिंह यादव ने तो गंभीर आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि जिस युवक की अश्लील वीडियो और चैटिंग सामने आई है वो 20 दिनों से परिवार सहित गायब है। जावरा का रहने वाला ये युवक प्रदीप जोशी से जुड़ा था और उसके साथ हुई चैटिंग ही सामने आई है, जिसमें अन्य कई लड़कों का भी उल्लेख है। यादव का कहना है कि जिस तरह देवास में कुछ वर्ष पूर्व सुनील जोशी हत्याकांड हुआ था, उसी तर्ज पर इस युवक के साथ भी ऐसा ही हादसा हो सकता है। कांग्रेस को आशंका है कि इस युवक की हत्या करवा दी गई है और उसके परिवार को भी गायब कर दिया गया है ताकि हल्ला ना मचे। दरअसल कुछ दिनों पूर्व ही ये वीडियो और चैटिंग उजागर हुई थी, जिसके बाद युवक और उसके परिवार पर दबाव बनाया गया और उसके बाद युवक व परिवार गायब है। पूर्व में भी राघव जी का कांड सामने आ चुका है। प्रदीप जोशी के मामले में भी ये पता लगा कि ग्वालियर का भी एक लड़का जो उनसे जुड़ा था, उसने आत्महत्या कर ली। अभी जो वीडियो चैटिंग सामने आई है उसमें सौरभ व मौसम से लेकर अन्य लड़कों का जिक्र भी है, जो पार्टी की कुछ गतिविधियों से भी जुड़े रहे। यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस पूरे मामले से अवगत कराया जा रहा है और चैटिंग वीडियो से लेकर अन्य प्रमाण सौंपते हुए मांग की जाएगी कि सभी संबंधित लोगों के मोबाइल फोन जब्त किए जाएं। प्रदीप जोशी से लेकर अन्य युवकों के मोबाइल डेटा रिकवर किए जाएंगे तो एक बड़ा सेक्स रैकेट उजागर हो सकता है। कई युवाओं का इसी तरह यौन शोषण किया गया और उनमें कुछ महिलाएं भी शिकार हुई हैं। इनमें एक महिला पार्षद सहित पार्टी से जुड़ी अन्य महिलाओं की जानकारी भी सामने आई है। भाजपा इस पूरे मामले की लीपापोती करने में जुटी है और इसे एक षड्यंत्र बताया जा रहा है, जबकि वीडियो और चैटिंग से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरे मामले में प्रदीप जोशी लिप्त रहे हैं। इसी कारण पार्टी ने भी ताबड़तोड़ उन्हें हटा दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करे ताकि भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो सके। इस पूरे मामले में एक फ्लैट की चर्चा भी सामने आ रही है, जो कि उज्जैन के एक पूर्व विधायक और प्राधिकरण अध्यक्ष रहे नेता का बताया जाता है। प्रदीप जोशी इस फ्लैट का भी इस्तेमाल करते रहे। वहीं उनकी जो चैटिंग वायरल हुई है उसमें वो उक्त युवक को कार्यालय में आने को कह रहे हैं और उसके साथ अत्यंत ही अश्लील फोटो का आदान प्रदान भी किया गया। सोशल मीडिया पर अभी जो चैटिंग वायरल हुई है उसको थोड़ा एडिट किया गया है, क्योंकि कुछ बातें अत्यंत अश्लील और अशोभनीय हैं। वहीं कुछ सेकंड का जो वीडियो उजागर हुआ वो भी अत्यंत ही भद्दा है, जिसे देखा नहीं जा सकता। और इस वीडियो को अश्लील चैटिंग सामने आने के बाद ही ताबड़तोड़ प्रदीप जोशी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने सभी पदों से मुक्त कर दिया है और अब पार्टी आलाकमान को भी एक रिपोर्ट बनाकर भेजी जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि निजी फ्लैट से होकर पार्टी कार्यालय का भी इस्तेमाल
इस तरह के यौन शोषण के मामले में सामने आया है। इससे भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा भी उजागर हो गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।